मुंबई से सटे विरार रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक पूरे रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। इस हड़कंप की वजह क्या थी? सरेआम हुआ एक कत्ल। दहशत के वो 60 सेकंड रेलवे स्टेशन में लाइव मर्डर, सैकड़ों आंखों के सामने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। कातिल ने चाकू के ताबड़तोड़ वार से रेलवे स्टेशन पर ही सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया। दिल दहला देने वाला ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरें मुंबई से सटे विरार रेलवे स्टेशन की हैं। सुबह करीब 11 बजे अचानक फुट ओवर ब्रिज पर कुछ इस तरह अफरा तफरी मच जाती है। सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वजह थी मौकाए वारदात के हालात। महेंद्र कुमार पाल नाम का यह हमलावर एक शख्स पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता है, बेरहमी से वार पर वार करता है। इतना ही नहीं, महेंद्र पाल के सिर पर मानो खून सवार था। देखिए, मौकाए वारदात पर मौजूद भीड़ को डराने की कोशिश करता है, सभी डर जाते हैं। इस बीच एक और शख्स आगे आ जाता है, लेकिन महेंद्र पाल उसे भी दौड़ा लेता है। करीब 60 सेकंड तक रेलवे स्टेशन पर आतंक का माहौल रहा। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने इस कातिल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह 11 बजे रेलवे जो ब्रिज है, रेलवे का ब्रिज, उस पर 30-35 बरस का जो एक्यूज है, उसने 30-35 बरस का जो इसम है उसका ही स्टैबिंग करके उसका मर्डर किया है। और ये घटना है, ये घटिया है, वो रेलवे पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में हुई है, इसलिए हम वो सीआर रेलवे पुलिस को ट्रांसफर कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मरने वाला कोई और नहीं, महेंद्र पाल का दोस्त था और किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। भले ही आरोपी महेंद्र गिरफ्तार हो गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौत का वो मंजर देखने वाले सदमे में हैं, जिसकी गवाही देने को ये तस्वीरें काफी हैं।